ओंकारेश्वर विधायक सचिन बेल्ला को नर्मदा तट स्थित चालुकेश्वर आश्रम पहुंचे और ब्रह्मलीन संत लक्ष्मण चितनी बापू की समाधि पर भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित की। बापूजी का जन्मदिन भी 15 अगस्त है। विधायक ने चालुकेश्वर आश्रम में भक्तों को साधक के लिए श्री निर्माण हेतु 5 लाख रूपए प्रदान करने की घोषणा की। आश्रम के प्रमुख गोपाल चैतन्य महाराज ने विधायक को आश्रम में आयोजित किए जाने वाले आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यक्रम की जानकारी दी। आश्रम में समूचे भारत से भक्त वृद्ध साधना करने ओडिशा लेने आते हैं। महाराज जी ने बताया कि आश्रम में एक प्राचीन सिद्ध वट वृक्ष है जिसकी 108 शाखाएं पृथ्वी को स्पर्श कर रही। ब्रह्मलीन बापू जी सहित अनेक संतों ने इस वट वृक्ष के नीचे तपस्या की। शासन ने इस स्थल को पर्यटन स्थलों में शामिल किया। महाराज जी ने बताया कि इस सिद्ध वट वृक्ष की परिधि में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करने की योजना है ताकि भक्तों को एक स्थान पर सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य मिल सके। विधायक बिल्ला ने महाराज जी को आश्वस्त किया है कि वे चारुकेश्वर आश्रम को प्रदेश की तीर्थ पर्यटन के लक्ष्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे तथा इस तारकमय में जल्द ही प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर से चर्चा करें। विधायक बिल्ला ने आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन परम पूज्य दंगड़ू जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित की और आश्रम में चल रहे अखंड रामधुन कीर्तन में हिस्सा लिया और बापू जी के चरणों में विशेष निवेदन आवेदन के क्षेत्र के लिए भी करते हैं कि खूब बारिश हो, बारिश कर बारिश नहीं हो, बारिश भी हो सभी हमारे पूरे परिवार के साधक परिवार के सभी स्नेहीजन सबके घरों में समृद्धि आए और इस विशेष अवसर पर मैं अपने ओर से भी अपने परिवार की ओर से भी बापू जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे हम सब की सुख समृद्धि की कामना भी करता हूँ और इस क्षेत्र पर चारिकेश्वर आश्रम के प्रमुख हमारे बाबा जी गोपाल चैतन्य महाराज साहब अभी विशेष प्रेम बनाए बना हुआ है और हमेशा हम पर उनका प्रेम बना रहे और इसी तरह आश्रम परिवार से हम लोग सब जुड़ के भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडवा से राम पवन आई की रिपोर्ट।